ओके सो हे गाइस वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस जैसे कि यार आप सभी ने मेरे से डिमांड की थी कि यार भाई 15 अगस्त के ऊपर भी एक फोटो एडिटिंग लेकर आओ, तो गाइस इससे पहले भी मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो बना दी है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसका जाकर चेकआउट करना। एंड गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप इजीली वीडियो देखने वाला जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा हमारे अमेजिंग होने वाले, तो प्लीज़ यार एक वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके गाइज तो सबसे पहले आप सभी को करना क्या, गाइज आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया है। फिर इसके बाद ऐड फोटो में जाना, गाइज आप सभी को ये वाला एक पीएनजी ले लेना है। इस पीएनजी को लेने के बाद गाइज आप सभी को इसका ब्लेंडिंग मोड जो इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर देने के बाद आप सभी को फिर गाइज क्या करना है, आप सभी को कुछ स्टेप्स ऐसे रखना है, ठीक है, एंड कुछ स्टेप्स आप सभी को यहाँ पे लगाना है, ठीक है। एंड जो उसके बाद आप सभी को यहाँ पे इसको अभी थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो उसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे, पहले तो उसको हम इस टाइप में लगा देंगे। एंड उसके बाद जाएंगे हम ऐसे एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद आपको कॉन्ट्रास्ट में जाना है। कॉन्ट्रास्ट को गाइज आपको ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट को गाइज आपको तब तक बढ़ाना है जब तक आपके साइड में से वो लाइनिंग ना हट जाए। फिर उसके बाद आपको इरेजर टूल में जाना है। इरेजर टूल में जाने के बाद गाइज आप सबको नीचे से इरेज करना है इसको, ठीक है। एंड जो गाइज ये माउंटेन हमारा ये दिखना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे एक फ्लैग का पीएनजी लगाना है, तो आपको इसको इरेज कर लेना है। तो हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं जूम करके फोटो को। एंड गाइज एकदम अच्छी तरीके से करना ताकि यार मतलब रियलिस्टिक से लुक आए, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ इधर इरेज हो गया तो उसको मैं यहाँ पे फील कर देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे हम डन करते हैं। एंड उसके बाद गाइज हम इसकी ओपेसिटी कम रखेंगे यहाँ पे, एंड इसका साइज़ हम थोड़ा सा भी और बढ़ा लेते हैं। अब इतना गाइज परफेक्ट है, ठीक है। तो अब इतने बात करने के बाद आप सभी इसकी ओपेसिटी आप हल्की जितनी रख लेना, अराउंड 50-60 तक रख लेना। एंड उसके बाद यहाँ पे डन कर देना, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी फिर क्या करना है, गाइज आप सभी को दोबारा जाना है ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज आप सभी कहाँ से आपको एक पीएनजी मिल जाएगा ये फ्लैग का, आपको इस फ्लैग का पीएनजी को लेना है। एंड उसके बाद गाइज आपको अपनी फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद गाइज आप सभी को कुछ इस टाइप से ऊपर की तरफ एकदम इस तरीके से रख देना है, ठीक है, इस तरीके से रख देना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी यहाँ पे डन कर देना है। फिर उसके बाद गाइज आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज यहाँ से आपको अपने मॉडल को लेना है। एंड मॉडल जो है गाइज आप सभी को कुछ इस टाइप से लेने के बाद यहाँ पे आप सभी को रख देना है, ठीक है। साइज़ को गाइज ज़्यादा बड़ा मत रखना। एंड उसके बाद इतना रख देने के बाद आप सभी को अभी डन नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आपको मॉडल को रखने के बाद आपको जाना है ऐड फोटो में। एंड ऐसे गाइज आप सभी को ले लेना है शेडो का पीएनजी। शेडो का पीएनजी का जिसका जो आपको ब्लेंडिंग मोड है इसको कर देना है स्क्रीन है मल्टीप्लाई, तो ब्लेंड में जाएंगे हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। अब उसके बाद गाइज आप सभी को आपको अपने पैरों के पास रखना है, ठीक है। एंड जो साइज़ होगा गाइज उसको आप अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड जो शेडो होती है गाइज ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो यार साइज़ को यार थोड़ा मेंटेन करके रखना। एंड अगर आपको शेडो ज़्यादा लगे तो आप इसकी ओपेसिटी कम भी कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज आप क्या करेंगे, ऐड फोटो में जाएंगे दोबारा। एंड यहाँ गाइज हमें 15 अगस्त का ये वाला जो टेक्स्ट पीएनजी है हम इसको लेंगे। एंड गाइज साइज़ जो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है, तो आपको कुछ इस टाइप से रखना है। एंड उसके बाद आपको इरेजर के टूल के ऊपर जो ऊपर ऑप्शन दिख रहा है इस पर जाना है, इसको मूव डाउन कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे हम गाइज, इसका थोड़ा सा ना साइज़ इसका ज़्यादा ही छोटा लग रहा है मेरे को, तो इसको ना हम क्या करेंगे, इसको साइज़ को हम बड़ा करके रखेंगे, ठीक है। तो हम इसके साइज़ को बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, हाँ इतना परफेक्ट है। अब गाइज क्या करना है आप सभी को, अब इतना कर देने के बाद आप सभी को सिंपली डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को गाइज क्या करना है, आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। एंड गाइज यहाँ से आप सभी को इस फ्लैग के कुछ पीएनजीज हैं इनको लेना है। एंड उसके बाद आपको इसको फुल साइज़ करके कुछ स्टेप से रखना है, एंड यहाँ पे फुल स्क्रीन करके, एंड यहाँ पे इतना कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे डन, ठीक है। अब उसके बाद आप सभी को फिर करना है, आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। एंड ऐसे गाइज आप सभी को दोबारा एक फ्लैग का पीएनजी लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को क्या करना है, आपको अपने हैंड के पास कुछ इस टाइप से रखना है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से इसको इरेजर टूल में जाना है, यहाँ पे इरेजर पे क्लिक करना है, इसके हार्डनेस को फुल करना है, फोटो को आपको जूम कर लेना है। एंड ईजिली गाइज आप सभी को ऐसे इरेज कर देना है, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल इरेज करना है, लगाना नहीं चाहिए कि मतलब क्या यार कुछ इरेज किया, यहाँ से कुछ इस टाइप से इरेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज परफेक्ट है। अब थोड़ा सा इधर से रह जाता हूँ, इसको भी इरेज कर देता हूँ। एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा एरिया यहाँ पे हो गया, आप इसको फील कर देते हैं, तो गाइज यहाँ पे है परफेक्ट, ठीक है। तो गाइज इतना कर देने के बाद गाइज आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको यहाँ पे डन करना है। एंड उसके बाद आपको पूरी परफेक्ट तरीके से डन कर देना है। अब गाइज आप सबको जाना दोबारा ऐड फोटो में। एंड ऐसे गाइज आप सबको एक विगनेट का पीएनजी लेना है। फिर गाइज इसको आपको क्या करना है, इसको फुल स्क्रीन कर देना है। एंड फुल स्क्रीन कर देने के बाद आप चाहो तो ओपेसिटी कम कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे डन, ठीक है। यहाँ पे हमारी फोटो पर काफ़ी अमेजिंग लग रही है। अब क्या करना है गाइस, आप सबको इस फोटो को लेना सेव। एंड इसको लेके चलना लाइटरूम ऐप में। लाइटरूम ऐप में ले जाने के बाद आप सबको जाना है स्लाइड वाले ऑप्शन में। एंड उसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको बढ़ा देना है। एंड जो हाईलाइट है इसको इंक्रीज़ कर देना है। शेडो को बढ़ा देना है, वाइट को बढ़ा देना है। एंड जो वाइट को कम कर देना है गाइस, ब्लैक को बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद चले जाना कलर्स वाला ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है। टेम्परेचर है गाइस जो उसको माइनस कर देना ताकि ब्लू टोन आ जाए फोटो में। एंड उसके बाद जाना मिक्स टूल में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन माइनस करना है, ल्यूमिनस को बढ़ा देना है अपने फेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड उसके बाद आपसे को फ्री करना है, आपसे को चले जाना इस ग्रीन वाले कलर में। एंड इसका जो ह्यू है आपको उसको बढ़ा देना है, सैचुरेशन बढ़ा देना है।
एंड इसको चले जाना आपको यहाँ पे डार्क ब्लू में, इसका जो गाइज ह्यू है इसको माइनस कर देना है, अगर आपको स्काई ब्लू चाहिए तो माइनस कर देना है, अगर डार्क ब्लू चाहिए तो प्लस कर देना। फिर इसका सैचुरेशन बढ़ा देना है एंड पर्पल कलर में जाकर इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है एंड उसके बाद चले जाना है, ऐसा कर देना है डन। अब उसके बाद चले जाना आपको यहाँ से नीचे वाले टूल में एंड जो फोटो की जो क्लियरिटी है उसको बढ़ा देना है एंड जो फोटो में गाइज वीकनेट है वो डाल देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपसे कोई नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ग्रे अमाउंट मिल जाएगा, आपको उसको बढ़ा देना है एंड उसके बाद चले जाना आपको यहाँ से नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस आपको उसको इंक्रीज़ कर देना है एंड गाइज जो नोइज़ रिडक्शन आपसे भी उसको बढ़ा देना है एंड जो नीचे का गाइज आपको कलर नोइज़ रिडक्शन मिलेगा आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइज फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइज ऐसा करता है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना एंड गाइज अगर आप ऐसी फोटो एडिट करते हो तो यार प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग करना, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए गाइज मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।